सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तालिबात, ये आठवीं कक्षा की ये दसवीं कविता है, जीवन सुंदर करूँ। इसे श ल नाइक ने लिखा है। पहले हम समझेंगे कि जो कविता है, ये कविता की कल्पना क्या है, इसकी मध्यवर्ती कल्पना क्या है। मोठ्या माणसाचा आदर्श समोर ठेवून ज्ञान साधना करून स्वकर्तृत्वाचे सुंदर जीवन कसे जगावे याचे संपर मार्गदर्शन या कवितेत कवीने केले आहे। यानी जो बड़े लोग होते हैं हमारे से, हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनका अदब करना और उनसे अच्छी चीज़ें कैसे सीखना है, ये इस कविता में बताया गया है। जीवन सुंदर करो, जीवन सुंदर करो यानी आपकी ज़िंदगी को आपने खूबसूरत बनाना है। शला नाइक प्रसिद्ध कवि, विविध मासिके, वृत्तपत्रे, नियतालिके यातून लेखन, त्यांची गम्मत नगरी, प्राण्याची शाळा, सोनी मोनी, डोंगर झाडीत, नदी किनारी, हे बालगीत संग्रह, छान छान कोडी, कोडी ओळखा कोडी ही पुस्तके प्रसिद्ध, बाल कवि पुरस्कार, काव्य गौरव पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार यांच्यासारख्या अनेक पुरस्कारांनी त्यांना सम्मानित करण्यात आले आहे। यानी एक बहुत ही मशहूर शायर है, बहुत ही मशहूर एक कवि है, और बहुत मासिकों में, वृत्तपत्र में, नियतालिके में उन्होंने अपने लेखन किया है। उनकी मशहूर जो कृतियाँ वो कौन कौन सी है, गम्मत नगरी, प्राण्याची शाळा, सोनी मोनी, डोंगर झाड़ीत, नदी किनारी, और छान छान कोड़ी, कोड़ी उड़खा, ये उनकी पुस्तकें हैं। उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, कौन कौन से, बाल कवि पुरस्कार, काव्य गौरव पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार। जीवन सुंदर करण्यासाठी काय काय करावे हे सांगताना कवी मानवतेचा विचार आणि कर्तृत्व याचे महत्त्व सांगतात। यानी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये इसकी अहमियत इसमें बताते हैं। कर्तृत्वानेच माणूस खऱ्या अर्थाने मोठा होतो, यानी अपने काम से, कर्म से ही इंसान बड़ा होता है। त्यासाठी थोरांचा आदर्श समोर ठेवावा व ज्ञानाची आवड जोपासावी। तो उसके लिए क्या करना है, बड़ों का उन्होंने आदर सामने रखना है, और इल्म की खूबी को आपने उसको आपने तहफ़ुज़ करना है, जोपासावी यानी तहफ़ुज़ करना है। उत्साहने व शिस्तशीरपणे जगून जीवन सुंदर करण्याचे आवाहन कवी प्रस्तुत कवितेतून करतात। यानी बहुत ही ज़्यादा जोश से और डिसिप्लिन, शिस्त यानी डिसिप्लिन से आपने इस जिंदगी को खूबसूरत करना है। प्रस्तुत कविता किशोर मार्च 2013 या मासिकातून घेतली आहे। यानी जो कविता है किशोर में छपी थी 2013 में। किशोर क्या है, ये एक मैगजीन है जो SCERT यानी बाल भारती की तरफ से प्रसिद्ध होती है। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसका भावार्थ भी देखेंगे। मानवतेच्या विचारांचा वसा मनी हो धरू, जीवन सुंदर करू गड्यानो, जीवन सुंदर करू। मानवतेच्या विचारांचा वसा मनी हो धरू, मानवतेच्या विचारांचा वसा मनी हो धरू, जीवन सुंदर करू गड्यानो, जीवन सुंदर करू। यानी इसमें क्या कह रहा है, इसमें मानवता यानी इंसानियत मानुष की, तो ये मानवता का वसा यानी कि उसका, उसकी एक हमने क्या बोलते, शपथ लेना है, व्रत लेना है, अहद करना है, और ये हमने दिल ही दिल में रखना है। गड़ियानो यानी मेरे दोस्तों, साथियों, साथ आने वालों, तो उसके लिए क्या कह रहे हो, जीवन सुंदर करू गड़ियानो, जीवन सुंदर करू। झटकुन टाकू आड़स सारा, चैतन्य जाग विल्पहाट वारा, झटकुन टाकू आड़स सारा, आड़स यानी आलसीपना, काहेली, ये पूरा का पूरा क्या करना है, झटक देना है। चैतन्य जाग वेल पहाट वारा, चैतन्य यानी उत्साह का वातावरण, हर तरफ सुबह और शाम जाग जाएगा। रोज पहाटे लौकर उठुनी ज्ञान सागरी फिरू, रोज सुबह जल्दी उठकर क्या करना है, ज्ञान सागरी, जहाँ पर ज्ञान का समंदर होता है, इल्म का खजाना होता है, वहाँ पर फिरना है, ऐसा कह रहा है। जीवन सुंदर करू गड़ियानो, जीवन सुंदर करू, यानी जिंदगी आपको खूबसूरत करना है दोस्तों, जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। ग्रंथ गुरुंची संगत ठेवू, ज्ञान झर्यांचे पानी पीऊ, ग्रंथ गुरु, ग्रंथ यानी पुस्तक किताबें, संगत यानी साथ रखना,
यानी किताबों को ही अपना गुरु बनाना है, उसकी संगत रखना है, ऐसा कवि कह रहा है। ज्ञान झरियाचे पानी पियू, ज्ञान यानी इल्म, इल्म का जो झरा है, झरना है, उससे पानी पीने की बात कर रहा है, यानी इल्म हासिल करने की बात कर रहा है। हो उन गेले अनेक महात्मे मार्ग त्यांसा अनुसरु, और यहाँ पर क्या कहता है, बहुत सारे महात्मे यानी थोर पुरुष बड़े देश सेवक होकर गुजरे हैं, मार्ग यानी उनका रास्ता, उनकी वाट, उनके राह पर चलना है। मार्ग त्यांचा अनुसरु, अनुसरु अनुसरण करने, अनुकरण करने, त्यांचे सोबत जाने। जीवन सुंदर करू गड़ियान्नो, जीवन सुंदर करू यानी कि हमें ज़िंदगी को खूबसूरत करना है दोस्तों, ज़िंदगी को खूबसूरत करना है। संकट येता करू सामना, धैर्य देऊ आपुलिया माना, यानी संकट यानी कि कोई परेशानी आती है तो क्या करना है, आपको सामना करना है, मानो मुकाबला करना है। धैर्य देऊ या आपुलिया माना, यानी धैर्य धैने यानी हिम्मत, धीर, आपको धैर्य देना, हिम्मत रखना है, कहे को दिल को, आपुलिया माना अपने दिल में हिम्मत रखना है। जीवनाचा ध्येया पासून कधी ना मागे हुर सरु, और जिंदगी के जो ध्येय है यानी कि हमारा जो मरकज है, जो हमें पाना है, उससे आपने क्या, कभी ना मागे सर, उससे कभी भी बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। जीवनाचा ध्येय पासून कधी ना मागे सरु, जीवन सुंदर करू गड़ियान्नो, जीवन सुंदर करू यानी आए दोस्तों, ज़िंदगी को खूबसूरत करना है, ज़िंदगी को खूबसूरत करना है। नव्या युगाचे ज्ञान वाड़वो, यानी नई जो ज़िंदगी है उसका क्या करना है, इल्म को बढ़ाना है। नया युगाचे ज्ञान वाड़वो आपन चापुले जीवन घड़वो, यानी नया जो ज़माना है उसका इल्म में बढ़ोतरी करना है, और हमारा ज़िंदगी को हमने ही तरतीब देना है। कर्तृत्वाने आपन सारे भारत भूषण ठरू, कर्तृत्व यानी कर्तव्यगारी यानी बेहतरी से हमने क्या करना है, कर्तृत्वाने आपन सारे भारत भूषण ठरू, हमें क्या करना है। भारत भूषण किसे कहते हैं, यानी जो भारत देश को कुछ बहुत ही अच्छी कामगिरी करता है उसे भारत भूषण कहेंगे। जीवन सुंदर करू गड़ियान्नो, जीवन सुंदर करू यानी हमें ज़िंदगी को बेहतर करना है, ऐसा कवि इस कविता में कह रहा है। अब इसका भावार्थ क्या है, जीवन सुंदर करू गड़ियान्नो, जीवन सुंदर करू, जीवन सुंदर करण्यासाठी कवि आह्वान करतात, माणुसकीच्या थोर विचाराचा व्रत मना धरून मित्रांनो आपण आपले जीवन सुंदर करूया, यानी हमें अपने ज़िंदगी को खूबसूरत करना है तो हमें मानवता की जो उपासना करना है, इंसानियत को की अहद लेना है। अंगातला आळस आपण पार टाकून देऊ, पहाटेचा मोकळा टवटवीत उत्साहवर्धक वारा आपल्या श्वासात चेतना जागवेल, जोर रोज पहाटे लवकर उठून आपण ज्ञानरूपी सागरात विहार करू, चला सोबत आपल्याला जीवन सुंदर करायचे आहे, असं कवी म्हणतो। यानी सुबह सुबह जल्दी उठना है, आळस काहीली छोड़ना है, और सुबह सुबह उठकर ज्ञान सागर में डुबकी लगाना है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना है, और अपनी ज़िंदगी को, जीवन को खूबसूरत बनाना है। ग्रंथ गुरुंची संगत ठेव, यानी पुस्तक रूपी गुरुंचा संगत रहू या, ग्रंथाला ज्ञान रूपी झऱ्याचे पाणी पिऊ या, देशात अनेक महान व्यक्ती होऊन गेले आहेत, त्यांना आखून दिलेल्या जीवनाची मार्गाची आपण अनुकरण करूया, त्यांनी दाखवलेल्या वाटेचा प्रवास करूया, यानी ग्रंथ गुरु की संगत करना है, ज्ञान झरिया का पानी पीना है, यानी इल्म बड़े पैमाने पर हासिल करना है, जो महात्मा महान पुरुष हुए हैं उनका रास्ता उनके मार्ग को का अनुसरण करना है, और जीवन को सुंदर करना है, ऐसा कवि कहता है। संकट येता करू सामना, धैर्य देऊ या आपुल्या मना, यानी मनामध्ये हिम्मत जपून घेणाऱ्या संकटाचा ना डगमगता मुकाबला करूया, आपले जीवनाचे ध्येय ठरले आहे ते पूर्ण करण्यासाठी मागे हटायचं नाही, असा कवी म्हणतात, आणि जीवन सुंदर करण्याचे प्रण घेतात। यानी जब अपने दिल में एक अहद करना है, हिम्मत बढ़ाना है, डरना नहीं है, और बुरे रास्ते बुरे हालात का मुकाबला करना है, और
कभी भी हमें अपनी मंजिल को पेश नज़र रखना चाहिए, ऐसा कवि कहता है। नव्या युगाचे ज्ञानवाड़वू, आपनस आपनस आपुल जीवन घड़वू, कर्तृत्वाने आपन सारे भारत भूषण ठरू, जीवन सुंदर करू गड़िया नो जीवन सुंदर करू। यानी इसमें क्या कहते हैं कवि, कहते हैं नवा युग अवतरले आहे, नवीन तंत्रज्ञानाचा योग आपले ज्ञान वाढवू, आपणच आपले आयुष्य घडवू आणि आपल्याला भारत भूषण ठरवायचे आहे। त्यासाठी काय करायचे आहे, नव्या युगाचे ज्ञान वाढवायचे आहे। यानी नया जो जमाना है, नया युग है, ये जो 100 वर्ष का कालखंड है, इसका क्या करना है, हमने ज्ञान बढ़ाना है, अपने जीवन गढ़ना है, भारत के लिए भारत भूषण बनना है और अपने कर्तृत्व यानी कर्तव्यगारी से भारत की सेवा करना है, तभी हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। जीवन सुंदर करूँ गड़ियानो जीवन सुंदर करूँ। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।